बॉलीवुड की पॉपुलर स्टार संजय दत्त लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। संजय दत्त का कैंसर स्टेज 4 पर पहुंच चुका है। जब से ये खबर सामने आई है तब से लगातार फैंस, उनके करीबी और बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देती हुई नजर आ रही हैं हमेशा की तरह उनकी पत्नी मान्यता दत्त। जब भी संजय दत्त किसी मुश्किल में नजर आए हैं तब तक मान्यता दत्त ने उनका साथ दिया है। मान्यता दत्त हमेशा ही एक साई की तरह संजय दत्त के साथ खड़ी रही हैं। साल 2008 में ये प्यारा सा कपल शादी के बंधन में बन गया। वहीं मान्यता और संजय दत्त एक दूसरे पर हमेशा ही प्यार लुटाते हुए भी नजर आते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं मान्यता दत्त के एक ऐसे इंटरव्यू के बारे में जिसमें उन्होंने संजय दत्त के साथ रिश्ते को लेकर खुलासा किया, और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार मान्यता दत्त ने अपना नाम शादी के बाद क्यों बदल दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मान्यता दत्त का नाम पहले था दिलनवाज शेख, लेकिन शादी के बाद नाम बदलकर मान्यता दत्त रख लिया। एक इंटरव्यू के दौरान जब मान्यता दत्त से पूछा गया कि क्या संजय दत्त ने उन्हें उनके मायके का नाम रखने की परमिशन नहीं दी, तब मान्यता दत्त कहती हुई नजर आई, ये मेरी पर्सनल राय थी। संजय दत्त को नाराजगी और अपमान का सामना करना पड़ता अगर मैं अपने पिता का दिया नाम इस्तेमाल करती। अगर दूसरी पत्नियां अपना पुराना नाम रखती हैं तो ये उनकी पसंद है, अब ये फैशन है। और इस तरीके से मान्यता ने जवाब दिया उस सवाल का। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संजय और मान्यता ने साल 2008 में गोवा में शादी की थी। वहीं संजय दत्त मान्यता से 20 साल बड़े हैं। मान्यता संजय दत्त की तीसरी पत्नी है, और आज के समय में मान्यता और संजय दत्त बेहद आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। आज के समय में दोनों ही जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स हैं। बेटे का नाम है शहरान दत्त तो बेटी का नाम है इकरा दत्त। वहीं संजय दत्त आज एक बड़ी मुश्किल दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, और आज भी मान्यता कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ी हुई है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।